हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अपने सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450, जो कि इन्होंने हाल ही में लॉन्च की है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इस बाइक का। अगर आप इसको नेकेड आई से देखेंगे तो बहुत प्यारी लगने वाली है। आपने नो डाउट बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा इस बाइक को, बट ये मैं अभी देख रहा हूँ, शोरूम पे हूँ, तो बहुत प्यारा लुक लग रहा है इस बाइक का। तो आज इसके बारे में आपसे बात करेंगे डिटेल में, इसका रिव्यू बताएंगे, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और कंपनी क्या क्या फीचर इसमें ऑफर करती है, सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाइक की, तो मैं आपको 360 एक बार दिखा दूँ। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा न्यू लुक है, और आप ये समझिए फ्रंट से बैक तक के एकदम न्यू बाइक है ये, और बहुत ही प्यारी बाइक लग रही है। एंड अगर बात करूँ इसके फ्रंट सेक्शन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि इसमें जितना भी लाइट का सेटअप है वो सारा LED कर दिया है। काफ़ी टाइम से ये हैलोजन यूज़ करते थे अपनी बाइक्स में, बट इन्होंने अब LED यूज़ किया है पूरी बाइक में। इसमें आपको LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं फ्रंट सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको LED सेटअप देखने को मिलेगा। ये स्प्लिट होने वाला है, मैं आपको ऑन करके एक बार दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो DRS दिख रही होंगी ऑन जलती हुई, एंड यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलेगा। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे R की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, तो इसमें RE की आपको इसमें ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। और इसमें साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका जो गेज है लाइट का, वो भी आपको इसमें इंस्टॉल्ड मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरिल्ला 450, यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी LED में देखने को मिलने वाले हैं, और बहुत ही प्यारे से क्यूट से इंडिकेटर लग रहे हैं। और अगर मैं फेंडर की बात करूँ, ये आपको फाइबर का मिलने वाला है, और ये ग्लॉसी ब्लैक में आपको फेंडर देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं, तो इसमें आपको शोवा के आपको 43mm का आपको पड़ने वाला है, काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़े आपको इसमें सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं आप GT में या इंटरसेप्टर में जो आते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, USD होते हैं, इसमें आपको टेलीस्कोपिक मिलेंगे। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं, और वहीं USD का ये डाउनफॉल कहूँगा मैं कि वो रिपेयर नहीं होते हैं, वो चेंज होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको शोवा के सस्पेंशन मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से सेट किया है कंपनी ने। और नीचे अगर मैं बात करूँ इसके डिस्क की, इधर से दिखा दूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज, काफ़ी बड़ी सी डिस्क देखने को मिलने वाली है। एंड अगर इसके साइज़ की बात करूँ, तो ये 310mm की आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाएगी, और साथ ही ये ABS के साथ आने वाला है, और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर इसके टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हैं जो इसका फ्रंट टायर है वो आपको 120x70x17 इंच का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है, और जो इसका रिम है वो 17 इंच का होने वाला है, और उसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे पर्पल कलर के। एंड अगर इस बाइक के कलर की मैं बात करूं, तो ये आपको देखने को मिलने वाला, ये येलो रिबन करके कंपनी ने इस कलर का नाम दिया है, येलो एंड ब्लैक कलर में है, काफ़ी अच्छा कलर इसका कॉम्बिनेशन लग रहा है, एंड थोड़ा सा पर्पल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस RE का लोगो दिख जाएगा आपको 3D में, वो आपको पर्पल दिखने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरिल्ला की आपको बैजिंग मिल जाएगी, ये ब्लैक कलर में होने वाली है। और जो ये बाइक है ये हाल ही में लॉन्च की है कंपनी ने, अभी इसके 5 कलर आने वाले हैं, अभी ये इस कलर में लॉन्च हुई है, अभी इसके ये आपको 5 कलर में मिलने वाली है ये बाइक। और अगर इस साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोरिल्ला 455 की आपको बैजिंग दिख जाएगी, तो प्रॉपर बहुत ही अच्छे से सेटअप किया है बाइक को, और बाइक थोड़ी सी जिस तरह इनकी हंटर थी उसी तरह थोड़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलने वाली है आपको, तो काफ़ी सही होने वाला है। और मैं अगर बात करूँ इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको हिमालयन का 450 वाला इंजन देखने को मिलने वाला है। इसमें की बात करूँ मैं, तो ये आपको 452 cc का आपको इसमें इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि लिक्विड कूल होने वाला है, सिंगल सिलेंडर FI 4-स्ट्रोक इंजन होने वाला है ये। एंड आप देख सकते हैं साथ ही आपको इसमें रेडिएटर दिख जाएगा, काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी ह्यूज आपको इसमें रेडिएटर देखने को मिलने वाला है, और ये DOSC आपको इंजन की टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इंजन काफ़ी सही है इसका, काफ़ी ट्रस्टेड इंजन इसका है, क्योंकि हिमालयन में काफ़ी टाइम से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इंजन में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड अगर इसकी मैं पावर की बात करूँ, तो ये आपको जो पावर निकाल के देने वाला है इंजन, तो वो 40 PS की आपको ये पावर निकाल के देने वाला है। और वहीं अगर इसके टॉर्क की बात करूँ, तो टॉर्क भी आपको 40 Nm का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो इसका पावर है वो 8500 RPM पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी सही है। और अगर मैं हिमालयन से इसको कंपेयर करूं, तो हिमालयन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका वेट थोड़ा कम है, तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस देने वाली है आपको
रोड्स पे। तो अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो ये आपको 170 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी सही इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा, छोटा सा क्यूट सा इंजन गार्ड है, तो ये आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने वाला है, ये आपको फाइबर का होने वाला है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेग गार्ड देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको इसमें लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इस बाइक के रियर सेक्शन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा सा एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही क्यूट एग्जॉस्ट लग रहा है मुझे देखने में ये। एंड जो ये एग्जॉस्ट है ये भी आपको हिमालयन वाला देखने को मिलेगा, और अगर रियर सेक्शन में मैं जाऊँ तो काफ़ी बड़ी सी आपको इसमें डिस्क देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, 230 mm की काफ़ी ह्यूज आपको इसमें डिस्क देखने को मिल जाएगी, और साथ ही इसमें आपको ABS की प्लेट देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर इसके टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जितनी भी बाइकें आती हैं इनकी, उसमें सबसे बड़ा आपको टायर प्रोफाइल का सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। इसमें 160 mm का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है, तो इसमें आपको 160x60x17 inch का आपको इसमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है। अच्छा टायर प्रोफाइल होने वाला है, काफ़ी बड़ा आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है, और लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। वहीं अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें आपको मोनोशॉक देखने को मिलने वाला है। अब ये एडजस्टेबल है कि नहीं वो अभी जानकारी नहीं है मुझे, बट मोनोशॉक मिलने वाला है रियर सेक्शन में। और वहीं अगर मैं इसके टेल टाइडी की बात करूँ, टेल टाइडी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और काफ़ी टेल सेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी एजी आपको टेल सेक्शन देखने को मिल जाएगा, और टेल टाइडी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी टेल लाइट कहाँ गई, मुझे भी कन्फ्यूजन था इसकी टेल लाइट कहाँ गई, तो इसमें आपको जो इसका इंडिकेटर है इसी में ही आपको इनबिल्ट मिलने वाली है टेल लाइट। तो काफ़ी अच्छा सेटअप किया है कंपनी ने, मैं आपको ऑन करके दिखा दूं। गाइस आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये थोड़ा सा शॉकिंग था, और साथ ही देख सकते हैं आप इसमें हजार्ड भी है, तो इंडिकेटर्स भी ऑन हो चुके हैं, और काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे देखने में ये। ये एकदम न्यू लग रहा है, और काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि कंपनी ने ये चीज़ की इस बाइक में। और साथ ही इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेवल देखने को मिल जाएगा, और ये पाइप वाला ग्रेवल आपको देखने को मिलने वाला है, और ग्रेवल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और जो इसका टेल सेक्शन है वो काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है बाइक देखने में। और अगर मैं इसके नीचे बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको सारी गार्ड मिलने वाला है। सो इसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेडीज़ फुटरेस्ट थोड़ा लुक को गड़बड़ कर देता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। एंड बाकी अपनी चॉइस होती है। अगर मैं बात करूँ इसके फुटरेस्ट की तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं, और काफ़ी यूनिक हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया है इनको, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मेटल के आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं फ्रंट जो फुटरेस्ट है वो आपको मेटल एंड लेदर का मिक्स मिलने वाला है। और अगर इसके मैं गेयरबॉक्स की बताऊँ तो इसमें आपको 6 speed मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिलने वाला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको 6 speed गेयरबॉक्स देखने को मिलने वाला है। और साथ ही स्टैंड आप देख सकते हैं सिंगल एंड डबल दोनों स्टैंड इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, तो काफ़ी सही चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हुक दिख जाएगा, तो अगर इस बाइक से आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ये भी आपको इजी होने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा, इससे आप अपने बैग को अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आरी ने एक चीज़ का ख्याल रखा कि जैसा कि उनको पता है कि उनकी बाइक से लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड अगर मैं अब बात करूँ इसके सीट हाइट की, तो आप देख सकते हैं अपने 780 mm की आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी सही सीट हाइट आपको इसमें देखने को मिल रही है। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप सिटी में भी इसको राइड कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। और अगर इसके फ्रेम की बात करूँ तो ये फ्रेम न्यू है इसका, इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बैजिंग दी जाएगी गोरिल्ला 4-5 की, सो इधर भी आपको बैजिंग मिलने वाली है। और अगर मैं इसकी सीट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका सीट। और अब बात की जाए अगर इसके टैंक की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा आपको इसमें टैंक देखने को मिलने वाला है, और एकदम यूनिक डिज़ाइन है इसके टैंक का। गाइस आप देख सकते हैं अगर इसके टैंक का डिज़ाइन की मैं बात करूं, तो अगर आप राइडर अगर इसको बाइक को राइड करेगा तो यहां से आप इतनी स्लिम है एंड यहां से थोड़ा बल्कि है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है लुक देखने में। अगर आप शोरूम पर विजिट करेंगे उसको नेकेड आई से देखेंगे तो काफ़ी प्यारी बाइक लगने वाली है। और अगर इसके टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो वो थोड़ी सी कम लगी मुझे, 11 liter की इसको इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो काफ़ी सही होने वाला था। और एक और चीज़ यूनिक लगी मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अगर बाइक्स होती हैं वहाँ पे आपको सेंटर में फ्यूल फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक लग रहा है इस बाइक में कि साइड में यहाँ पर आपको
फ्यूल फिलअप करने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं अगर इसके हैंडल की मैं बात करूँ तो आपको स्ट्रेट वाला आपको इसमें हैंडल बार देखने को मिलने वाला है, और अगर स्विच की बात करूँ तो स्विच काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिलने वाले हैं, और स्विच में आप देख सकते हैं ब्रांडिंग मिल जाएगी आरी की, एंड आप देख सकते हैं इस साइड में आप देख सकते हैं पासिंग का स्विच है, इसी में ही आपको हेडलैम्प का आपको स्विच देखने को मिल जाएगा, ये इंडिकेटर का स्विच हो गया, यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, ये आपको जॉयस्टिक देखने को मिलने वाला है, जैसा आप जब गेम्स खेलते हैं उस गेम्स में जॉयस्टिक होता है उस तरह का आपको इसमें जॉयस्टिक देखने को मिलेगा, और बहुत ही ये मुझे यूनिक लगा, बहुत ही प्यारी चीज़ है। इस जॉयस्टिक से आप अपने स्टूडेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो स्विच है ये आपको मोड वाला स्विच मिलने वाला है, और इधर भी आपको एक स्विच मिलेगा, ये भी आपको मोड का स्विच मिल जाएगा, एंड साथ ही आपको इंजन किल स्विच, एंड साथ ही में आपको सेल्फ स्विच इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है, और इसमें आपको राइट बाय वायर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिखाऊं, आपको ऑन करके दिखाता हूं मैं, आप देख सकते हैं यहां पे आपको साइड में आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको गोरिल्ला की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और देख सकते हैं आपको यहां पे आपको फुल्ली डिजिटल आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि TFT होने वाला है 4 इंच का, तो काफ़ी सही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, और ये हिमालयन के जैसा ही आप 2 कॉपी समझ सकते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको RPM इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, साथ ही स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, जो नॉर्मल चीज़ें सब में होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम, टेम्परेचर, एंड बहुत सारी आपको टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिलने वाली है। और इस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोड का बटन मिलेगा, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिएगा चेंज हो जाएगा, ये देखिएगा इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए गाइस यहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक मिलेगी, इससे आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको TRIP 1, TRIP 2, फ्यूल रेंज एंड फ्यूल देख सकते हैं, आपको बैटरी वोल्टेज, और बहुत सारी इंजन टेम्परेचर एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड, ये 2 मोड के साथ आती है, देख सकते हैं आप राइड मोड एंड इको मोड, परफॉर्मेंस मोड, 2 मोड के साथ ही आपको बाइक देखने को मिलेगी। तो इसमें 2 मोड आने वाले हैं, और इसमें आप ABS ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, हिमालयन में आप ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा चेंज है। बाकी इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, इंजन लाइट, इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं गाइस। और ये मैं सारा जो कंट्रोल कर रहा हूँ ये जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो जॉयस्टिक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपको ट्रिप की इंफॉर्मेशन, व्हीकल इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस बार रॉयल एनफील्ड ऑफर कर रहा है, और बहुत ही प्यारी बाइक मुझे लगी है ये और जो आजकल की टेक्नोलॉजी सारी आ रही है वो देखने को मिलेगी। और अगर इसमें की बात करूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेव की आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, तो वेव की भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, और अभी मैं आपको जला के दिखाऊंगा इसका LED की कैसा होने वाला है, और सुनाऊंगा साथ ही इसका साउंड कैसा ये प्रोड्यूस कर रही है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका LED कैसा आपको मिलने वाला है। ऑन करो, आप देख सकते हैं डिस्प्ले LED अब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इसका LED होने वाला है, और अभी सुनाते हैं इसका साउंड कि साउंड कैसा रहने वाला है। आप सुन सकते हैं गाइस ये आइडियल की गाड़ी है, अभी रेफ करो, सो गाइस आपने साउंड सुना, काफ़ी अच्छा साउंड मुझे लगा इस बाइक का। और अब बताऊँ मैं इसका प्राइस, तो जिस प्राइस पॉइंट भी आने वाली है बाइक, सो बहुत ही अच्छा प्राइस रखा है आरी ने इस बाइक का, और मुझे काफ़ी पसंद आई बाइक। सो आप आइए शोरूम पे और विज़िट करिए, आप देखिए बाइक काफ़ी अच्छी बाइक है ये। तो अगर इसके प्राइस की मैं बात करूँ, एक शोरूम 2,54,000 की आपको पड़ने वाली है अप्रॉक्स। और सो गाइस जिस शोरूम पे मैं हूँ ये कंपनी आउटलेट है यहाँ पे, और ये जो पड़ने वाला है शोरूम बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी डिटेल मैं शोरूम की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आइए, आप गाड़ी का राइड लीजिए, एंड आप नेकेड आई से देखेंगे बाइक तो काफ़ी सही लगने वाली है ये बाइक, और मुझे काफ़ी पसंद आई। और ज़रूर आइए शोरूम पर, देखिए बाइक, और मैंने सारी डिटेल आई थिंक कवर कर ली है बाइक में, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए,
करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय।